हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुकमा और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करने आई हूं जो कि आपके पेट को बहुत अच्छे, यानी कि आपके मसल्स को बहुत ज़्यादा टाइट करेगा। आई थिंक लीन प्रोटीन के बारे में आप सबने सुना होगा, लेकिन मोस्टली लोगों ने इसको नॉनवेज में सुना होगा, बिकॉज लीन प्रोटीन के जो सोर्सेज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं आपको नॉनवेज में मिलेंगे। लेकिन आज मैं पर्सनली, मैं खुद वेजिटेरियन हूँ, तो आज मैं आप लोग के साथ वेजिटेरियन लीन प्रोटीन की यहाँ पर दो रेसिपी शेयर करूँगी जो पर्सनली मैं लेती हूँ अपने मसल्स को टोन अप करने के लिए। बिकॉज जब तक मसल्स आपके टोन नहीं होंगी, आपका फैट जो है वो नहीं जाएगा बॉडी से। तो बॉडी को बिल्कुल स्किनी बनाने के लिए आपको लीन प्रोटीन लेना ही लेना है। और आज मैं आप लोग के साथ वेजिटेरियन रेसिपी शेयर करूंगी जो कि लीन प्रोटीन से बनी हुई हैं। जी हाँ, और कितने ग्राम्स लेना है वो भी बड़ा ही जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो भी मैं आज आप लोग के साथ यहाँ पर शेयर करूंगी कि कितने ग्राम तक आप उस लीन प्रोटीन को ले सकते हैं। 100% वेजिटेरियन है, बहुत ही सस्ता प्रोटीन है मार्केट में। इवन आप घर से निकलोगे, जो आपके बगल में लोकल शॉप होती ना, उसमें मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ अमेज़ॉन से मंगाने की ज़रूरत है या किसी भी जो है ऑनलाइन शॉपिंग साइट से मंगाने की ज़रूरत है। और मैं बोलूँ कि लीन प्रोटीन ही एक ऐसी चीज़ है जिसको खा के जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं वो अपनी बॉडी को काफ़ी टोन अप करती हैं। मोस्टली जो पेट का फैट होता है वो सिर्फ और सिर्फ लीन प्रोटीन से ही जा सकता है। और कितनी भी चीज़ें आप ट्राई कर लो, इवन फुल बॉडी का वेट चला जाएगा, लेकिन पेट का फैट कभी भी नहीं जाता है विदाउट लीन प्रोटीन। तो आज मैं आप लोग के साथ यहाँ पे लीन प्रोटीन की दो रेसिपी शेयर करूँगी, क्या है कैसे, चलिए दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको यहाँ पे चाहिए वाइट मटर, जो कि हम पानी पूरी में भी खाते हैं। और वाइट मटर बेस्ट सोर्स है आपके लीन प्रोटीन का, वेजिटेरियन प्रोटीन का। और इससे बेस्ट आपको कोई भी प्रोटीन लीन प्रोटीन में नहीं मिल सकता। और इस तरह से आपको इसे एक दिन में आप 50 ग्राम्स तक ले सकते हैं बॉयल करने के बाद। तो एक अंदाजन ले लेना कि कितना हुआ है। तो इसे आपको अच्छे से मैश कर लेना है, देन उसके बाद आप कोई भी जो वेजिटेबल्स आप खाते हो वो आप ले लेना। तो यहाँ पे मैं टमाटोज डाल रही हूँ छोटे छोटे पीस में करके, देन उसके बाद मैं थोड़े से इसमें प्याज डाल रही हूँ। गर्मियाँ हैं तो अमिया और पुदीना की चटनी आपको आराम से घर में बन जाएगी, तो उसकी चटनी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बिकॉज इसका फ्लेवर इन्हेंस हो जाएगा। और इस तरह से इसका एक बहुत, और हाँ, पिंच ऑफ सॉल्ट, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इस तरह से आप इसका एक अच्छा सा बैटर टाइप का रेडी कर लो। और इसके बाद मैं बताती हूँ कि पर्सनली मैं क्या करती हूँ, बिकॉज आप इसे आराम से एक रात पहले उबाल लो। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ ग्रिलर सैंडविच मेकर, मैं ले रही हूँ यहाँ पे मल्टीग्रेन वाली ब्रेड, ये देख लीजिए, यहाँ पे मैं मल्टीग्रेन वाली ब्रेड ले रही हूँ। और इस तरह से अगर आप इस मटर को बॉयल करके रात में फ्रिज में लगा के और इस तरह से सैंडविच सुबह बनाओ, तो विद इन आप मतलब रेडी होते होते, कपड़े पहनते पहनते भी आपका ये सैंडविच बन के रेडी हो जाएगा। और कार्ब एंड प्रोटीन का बेस्ट मिक्सचर है, आप देख सकते हैं इसमें प्रोटीन ज़्यादा क्वान्टिटी में है, कार्ब मैंने बहुत कम लिया, लेकिन हाँ मॉर्निंग में कार्ब लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आप इसका सैंडविच रेडी कर सकते हो, ना हो तो तवे पे भी बना सकते हो। लेकिन हाँ, अगर मेकर के साथ थोड़ी सी ये हमें सहूलियत हो जाती है कि आपने इसे एक बार बंद किया, ऑटोमेटिक होता है, आप दूसरे काम भी करते गए और एक बार दिमाग से निकल भी गया तो ये जलेगा नहीं। तो हमारा ये जो यहाँ पे है सैंडविच बनके रेडी है, आप देख सकते हैं बहुत यम्मी लगती है खाने में। और इसके बाद मैं लूँगी एक कप चाय, और ये शुगर फ्री टी है। आराम से आपका ये नाश्ता हो गया। यहाँ पे मैंने आपको एक डिश बता दी है, दूसरी डिश में जिनको ब्रेड नहीं पसंद है उनके लिए भी यहाँ पे मैं एक डिश रेडी करना चाहती हूँ। यानी मान के चलिए 25 ग्राम आपने मटर सुबह खाएं, 25 ग्राम आप दोपहर में इसका एज अ लंच भी ले सकते हैं। आप इसे फ्राई करके भी बना सकते हो, आप इसे बॉयल, जस्ट लाइक मैंने जैसे बॉयल वाला किया, इसमें नो ऑयल है, प्याज टमाटर चटनी नमक डाल के आप खा लो। आप इसे एक ग्रेवी के रूप में, बहुत ही लेस ऑयल में एक ग्रेवी के रूप में इसे एक अच्छी सी सब्जी बना के भी खा सकते हो। 25 ग्राम जैसे मैंने बोला, मटर दो बार खा रहे हो तो 25 ग्राम एक बार, 25 ग्राम एक बार। लेकिन हाँ, बॉयल करने के बाद आप इसे नापना, देन तभी आप का वो 25 ग्राम मान्य होगा।
ये चाट भी बनकर यहाँ पे रेडी है। इस तरह से दो डिश अगर आप खाएंगे तो आपके पेट के मसल्स बहुत ही जल्दी टाइट हो जाएंगे। ये अमेजिंग सी टू रेसिपीज मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की हैं जो पर्सनली मैं लेती हूँ। वन वीक तक अगर इसी डाइट प्लान को जैसे कि मैंने बताया है आपने लेना शुरू कर दिया तो मान के चलिए एक से दो, दो से तीन आराम से, अगर आपने एक हफ्ते लिया तो 2 इंच तक आपका पेट जरूर अंदर जाएगा, और हाँ पूरे मंथ लिया तो मान के चलिए 4 to 5 इंच आपका जो है कमर अंदर चली जाएगी। अगर 35 है तो 30 हो जाएगी, 30 है तो 25 हो जाएगी, और बहुत अच्छे से मसल टोन अप होगी। इवन मैं यहाँ पे सिर्फ पेट की बात कर रही हूँ लेकिन ओवरऑल बॉडी की जो है टोन अप होगी आपकी बॉडी, और आप काफ़ी स्लिम दिखोगे। वीडियो जरा सभी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पसंद आओ तो फटाफट से सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।